नमस्कार, आप देख रहे थे टिंग टांग न्यूज में, मैं ममता सोनी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 4 किसानों से 48 किलो गोबर खरीदकर शुरुआत की गोधन न्याय योजना। मुख्यमंत्री ने स्वयं गोठान समिति के गोबर खरीदी रजिस्टर में एंट्री की। विक्रेता किसानों को गोबर बिक्री कार्ड भी भेंट किया। मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया हरेली का त्योहार। आपको बता दें कि 20 जुलाई 2020 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व पर आज अपने यहाँ निवास में 4 किसानों से 48 किलो गोबर की खरीदी की और किसानों को 2 रूपए के हिसाब से 96 रूपए का भुगतान कर गोधन न्याय योजना की प्रदेश व्यापी शुरुआत भी की। ये किसान रायपुर जिले के अभनपुर विकास खंड के ग्राम नवा गांव से आए थे। मुख्यमंत्री ने नवा गांव गोठान समिति के जय छत्तीसगढ़ महिला स्व सहायता समूह के लिए नवा गांव के श्री कृष्ण कुमार चक्रधारी, सेवक राम साहू और शिव नारायण साहू ने साहू से गोबर खरीदा। मुख्यमंत्री ने स्वयं गोठान समिति विक्रेता किसानों को गोबर बिक्री का कार्ड भी भेंट किया। विक्रेता किसानों को दिए गए कार्ड में उनके द्वारा रोज बेचे जाने वाले गोबर की मात्रा भी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री निवास में अभनपुर से आए इन किसानों ने गोधन न्याय योजना प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह योजना किसानों और छोटे पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी योजना है। श्री चक्रधारी ने बताया कि उनके पास 5 मवेशी है। हर रोज लगभग 1 झउवा यानी 20 किलो तक का गोबर निकलता था जो कचरे में जाता था। अब इसके बिक्री होने से हम जैसे हजारों लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हरेली का त्योहार मनाया गया। हरेली पर्व में परंपरा है कि किसान और उनके परिवार की महिलाएं अपने खेत और बाड़ी की सब्जियां अपने सियान लोगों को भेंट करते हैं। जय धरती माँ महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई चक्रधारी सहित श्रीमती लक्ष्मी धुरव, श्रीमती आरती साहू सहित समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को सब्जियां भेंट की। लौकी, रमकेलिया, कोहड़ा, बरबट्टी, करेला, तरोई सहित चेज भाजी, पटवा भाजी, अमारी भाजी का गुलदस्ता बनाकर भेंट किया। महिलाओं ने उनकी बाड़ी के भुट्टे भी मुख्यमंत्री को भेंट किए। आज छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ द टिंग टांग न्यूज में। नमस्कार।